इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नमस्ते अंकल। नमस्ते। बस बेटा बस, खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो, जीते रहो। आइए ना अंदर आइए। तुम्हारे माता पिता ने तुम दोनों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। जी आंटी जी, भैया ने मुझे पढ़ाया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया और खुद आईएएस बन गए। इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत दुख भी देखे हैं। बस अब इनके लिए एक अच्छे से जीवन साथी मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए भैया के लिए। हमारी बच्ची भी संस्कारी है। साक्षी बेटा, क्या हुआ बेटा, ऐसी क्यों बन गए? अंकल जी, वो साक्षी जी को जुकाम है और मैं नहीं चाहता था कि एसी की वजह से उनकी तबीयत और बिगड़ जाए, इसीलिए। हमें हमारी साक्षी के लिए ऐसा ही जीवन साथी चाहिए था जो उसका ख्याल रखे और उसे ढेर सारा प्यार दे। आंटी जी, आप फिक्र मत कीजिए, अगर साक्षी जी ने मुझे पसंद किया तो मैं हमेशा उनका ख्याल रखूंगा, कभी उन्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे तो साक्षी के लिए बहुत पसंद है। मुझे भी, मुझे भी साक्षी बहुत पसंद है। तुम्हारी क्या मर्जी है? अब तो मुंह मीठा करना होगा। अब देखना, मैं मेरी बेटी की विदाई कितने धूमधाम से करता हूँ, पूरा शहर देखता रह जाएगा। अंकल जी, आंटी जी, छोटा मुंह बड़ी बात, मैं चाहता हूँ कि जब मेरी शादी हो तो बहुत सादगी से हो, इतनी धूमधाम से, इतना खर्चा करके क्या फायदा, एक सिंपल सा कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। ये बस मेरा सुझाव है, बाकी आप लोगों की मर्जी। पापा जी, ये है मेरा दोस्त विनोद, ये मेरी और साक्षी की शादी करवाएगा। नमस्कार। नमस्ते। ठीक है, आप लोग बैठ जाइए, मैं साक्षी को लेकर आ रहा हूँ। जी आओ। पापा। ओ साक्षी, बहुत सुंदर लग रही है। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज मेरे जीवन का बहुत बड़ा और सबसे खूबसूरत दिन है, क्योंकि आज हमारी बच्ची एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है और वो भी इतने अच्छे इंसान के साथ। पापा, मैं नहीं जाना चाहती, मुझे आपकी बहुत याद आती। बेटे, लेकिन हर लड़की को किसी न किसी दिन अपने घर जाना ही पड़ता है ना? ये मेरा घर नहीं है। ये तुम्हारा ही घर है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा, लेकिन तुम्हारा असली घर है अपने पति का घर। चलो बेटा, अब मैं इंतजार करता हूँ। जी पापा। चलो बैठिए ना। अभिमन्यु, साक्षी। कांग्रेचुलेशंस। Thank you.
बेटा। अगर कोई गलती हो जाए मेरी बच्ची से तो उसे नादानी समझकर माफ। पापा जी क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, हाथ तो मुझे जोड़ने चाहिए आपके कि अगर मुझसे जाने अनजाने में कभी भी कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखना बेटा। कैसा लगा? मैंने तैयार किया। कैसा लगा? सॉरी भैया ऐसे मत देखो, कबाब का हड्डी अब इजाजत लेता है। भैया एंजॉय। पागल है। छोटा सा प्यारा सा घर तुम्हारे महल जैसा तो नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास करो तुम्हारी प्यार की खातिर इस घर को मैं खुशियों से भर दूंगा। आई प्रॉमिस। अभिमन्यु अभिमन्यु फोन नहीं छोड़ गए? अभिमन्यु अभिमन्यु भाभी क्या हुआ? पता नहीं ये कहाँ चले गए बिना मुझे बताए। गए होंगे कहीं। रुको मैं फोन करता हूँ। नहीं नहीं मैंने ट्राई किया था पर वो अपना फोन भी यही भूल गया। भाभी आईएएस ऑफिसर है ना, कभी कभी जाना पड़ता है इमरजेंसी। आ जाएंगे आप जाके सो जाओ। आप कहाँ चले गए थे? वो मैम हाँ वो मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी इसीलिए जाना पड़ा।
अभिमन्यु रोज रात को कहाँ चले जाते हैं? आज तो मैं पता करके ही रहूंगी। मैं ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया। नहीं। चलो आखिर ये घर है किसका और अभिमन्यु यहाँ क्यों आए हैं? साक्षी क्या बात है, सब ठीक तो है? हाँ। नहीं बैठो बैठो, क्या बात है साक्षी? कुछ तो परेशानी है जो तुम्हें सता रही है, बताओ मुझे क्या बात है? आप हर दूसरी रात कहाँ चले जाते हैं? मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा भी क्या काम है कि हर दूसरी रात आपको जाना पड़ता है? कल भी आप बाहर गए थे ना? साक्षी तुम भी ना। अरे भाई तुम्हारा पति एक IAS ऑफिसर है, इमरजेंसी मीटिंग्स होती है, रात को भी होती है मीटिंग्स हमारी, और कल रात को तो मैं कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करने गया था। तुम फिकर मत करो, धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगे। अरे लगता गलत टाइम पे आ गया मैं। अरे नहीं रणवीर, बिल्कुल सही समय पे आए हो तुम। अरे समझाओ अपनी भाभी को कि तुम्हारे भाई को रात रात को भी काम पे जाना पड़ता है। आओ समझाओ। भाभी धीरे धीरे आप सब समझ जाओ। चलो अपना मुंह ठीक करो। आप वो मुझे मम्मी डैडी की बहुत याद आ रही है, अगर आप कहें तो मैं मिलने चली जाऊं उनसे। ये भी कोई पूछने की बात है? बिल्कुल जाओ मिलो। अच्छा आई एम गेटिंग लेट, मैं निकलता हूँ, बाय। चलो अभी मैं भी चलता हूँ। अभिमन्यु जैसे लड़के की कामना हर लड़की करती है। साक्षी ने भी यही कामना की थी कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा लड़का आए जो उसके माता पिता की इज्जत करे, उसे जिंदगी भर खुश रखे। अभिमन्यु के आने से मानो उसके सारे सपने सच हो गए थे। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। इस पूरे प्रकरण में एक बात बहुत ही चौंकाने वाली थी, वो ये कि अभिमन्यु देर रात को किसी औरत से मिलता था। क्या ये औरत उसकी कोई करीबी रिश्तेदार थी, कोई दोस्त थी? आखिर वो औरत कौन थी जिसके लिए अभिमन्यु साक्षी से झूठ बोल रहा था? क्या साक्षी इसकी असलियत जान पाएगी? आइए देखते हैं। कहिए आप कौन? जी मुझे अभिमन्यु के बारे में आपसे बात करनी है। अभिमन्यु? कौन अभिमन्यु? ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आया और कौन हो तुम? मैं उनकी पत्नी हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम?
बता दीजिए कि आपका अभिमन्यु से क्या रिश्ता है। ये देखिए, उसने हम दोनों को धोखा दिया है। देखा तुमने, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इंसान ऐसा भी कर सकता है। मैंने भी यही सोचा था कि ऐसे इंसान से शादी करके मुझे मानो पूरा संसार मिल गया हो, पर आज पता चला कि ये तो बहुत ही घटिया इंसान है। इसको ऐसे नहीं जाने देंगे, सबक तो इसको सिखाना पड़ेगा। ये हम दोनों की जिंदगी खराब की है। आने दो आज इसको। नहीं नहीं, ये बहुत ही चालाक इंसान है, हमें इसे इसकी चालाकी के साथ ही पकड़ना होगा। हेलो विद्या, विद्या तुमने जो मुझे एड्रेस बताया था मैं वही हूँ, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, पूरा सुनसान एरिया है। लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स पे तो वहीं का एड्रेस था ना। हाँ, मेरे हिसाब से जगह भी वही है, बट यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एड्रेस ही छोटा हो? मुझे तो लगता है ये आईएएस ऑफिसर भी नहीं है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। कोई बात नहीं, इसको तो अब हम नहीं छोड़ेंगे। हेलो। हेलो विद्या, मैंने इसकी ऑफिस की साइट चेक की है, लेकिन इस पर तो कुछ भी नहीं है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है और बहुत डर भी लग रहा है। विद्या मुझे बताना, ये तुम्हें कहाँ मिला था? मेरे मम्मी पापा ने किसी मैट्रिमोनियल साइट से ढूंढा था। मुझे भी ये वही मिला था। मैं काम करती हूँ, उस साइट का अकाउंट चेक करती हूँ, वेट। लेकिन पासवर्ड? विद्या, मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, पासवर्ड तो ढूंढी होंगी इसका। इसका अकाउंट खुल गया। अरे, इसने तो अपनी बहुत सारी प्रोफाइल्स बनाई है। तुम रुको, मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट भेजती हूँ, ठीक है? भाई के लैपटॉप में इतनी देर से क्या कर रही? कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। साक्षी, कुछ पता चला? हाँ विद्या, ये देखो, हमें इस लड़की का पता करना पड़ेगा। लेकिन ये मिलेगी कैसे, कहाँ रहती है? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन चैट बॉक्स से मुझे इसका नंबर मिल गया है। हम कुछ ट्राई तो जरूर कर सकते हैं ना। हाँ, हेलो।
हेलो टीना, आप कौन? टीना, मैं तुमसे अभिमन्यु के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। कौन अभिमन्यु? एक मिनट टीना, मैंने अभी तुम्हें एक फोटो भेजी है, जरा प्लीज उसे चेक करो। हेलो हेलो, अरे उसने तो फोन ही कट कर दिया। क्या करें, उसे मैं मैसेज करती हूँ, लेकिन थोड़ा छूट बोलना होगा। ओके। हेलो टीना, मैं जो एड्रेस भेज रही हूँ तुम वहां मुझे मिलने आ जाओ, वरना अभिमन्यु तुम्हारे पीछे आ जाएगा। और बस मैं एक ही हूं जो तुम्हें बचा सकती हूँ, इसलिए जैसा कहती हूँ वैसा करो। टीना, टीना, वो आ जाएगा। अरे नहीं, वो नहीं आने वाला है। एक्चुअली हमने तुमसे झूठ बोला। क्या बकवास है ये? देखो टीना, हम जानते हैं कि उसने तुम्हें भी धोखा दिया है। तुझे किसी ने धोखा नहीं दिया, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी है। मुझे यहाँ आने ही नहीं चाहिए था, मैं जा रही हूँ। अरे टीना, टीना प्लीज प्लीज बैठ जाओ। देखो टीना, अपने आप को संभालो, हम जानते हैं कि इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है, हम तो तुम्हारा साथ देना चाहते हैं, लेकिन मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता था कि उसने तुम्हें इस हद तक डरा कर रखा है। टीना, ये वक्त डरने का नहीं है, बल्कि हिम्मत दिखाने का है। प्लीज हमारा साथ दो, उसे सजा दिलाने में हमारी मदद करो। यस, मैं दूंगी आपका साथ, कि वो बहुत चालाक है। मैं उसे उसकी चालाकी दिखाने का मौका ही नहीं दूंगी। मम्मी पापा, तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उससे पहले मुझे तुमसे बात करनी है। क्या क्या है? मम्मी मम्मी मत बोल, मुझे शर्म आती है तुझे मुझे अपनी बेटी बोलने में। शायद हमारी परवरिश में कुछ कमी रह गई थी। नहीं नहीं पापा जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। पापा, मैं नहीं जानती कि इसने आपको क्या बताया है, लेकिन मैं इसके बारे में सच्चाई जानती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ। धोखे बात है ये, इसने हम सबको धोखा दिया है। धोखा इसने नहीं, तुमने दिया है। क्या किया है मैंने पापा? ये देखो, क्या है ये सब? पापा ये झूठ है, मैंने नहीं किया ऐसा कुछ भी। अपने ही देवर के साथ? छी, नहीं मम्मी, मेरा यकीन कीजिए, ये सब कुछ झूठ है, ये इन दोनों भाइयों की चाल है। इन्होंने ही मुझे इनकी गोली दी होगी और ये फोटो निकाले होंगे। तुम्हें क्या लगता है ये कुछ करके तुम मेरे मम्मी डैडी को मुझसे दूर कर दोगे? तो ऐसा नहीं होगा। साक्षी, पापा मत कहो मुझे पापा, ये हक तुमने खो दिया है। पापा मेरा यकीन कीजिए, ये सब झूठ है। इसको पता था कि मैं यहाँ आकर आप सब लोगों को इसकी असलियत बताने वाली हूँ, इसलिए ये सब ड्रामा रचा है। पापा जी, मैं आपको इतनी घटिया बात बताना ही नहीं चाहता था, लेकिन मैं मजबूर हो गया। पापा जी, मैं साक्षी से बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार कि मैं इसे माफ तक कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि समझने को तैयार ही नहीं है। मेरे साथ रहना नहीं चाहती पापा जी, मैं क्या करूं? अरे पत्नी है वो तुम्हारी, मैं देखता हूँ ये तुम्हारे साथ कैसे नहीं रहती। पापा मुझे एक मौका दीजिए मेरी सच्चाई साबित करने का, प्लीज पापा। क्यों, देखिए देखिए, ये इसकी बीवी है। और पापा, मैं इस औरत को जानती हूँ,
अब चलिए मेरे साथ, आपको सारा सच पता चल जाएगा। चलिए मेरे साथ। विद्या, ये मेरे मम्मी पापा हैं। तुम इन्हें सब सच बता दो कि अभिमन्यु के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। हाँ हाँ, बहुत गहरा रिश्ता है साक्षी। मैंने तुमको कितनी बार बताया कि ये मेरे पति के बहुत खास दोस्त हैं। राखी बांधती हूँ मैं इनको। विद्या, ये तुम क्या कह रही हो? वही कह रही हूँ जो सच है। नहीं विद्या, विद्या तुमने मुझे कहा था ना कि इसके साथ तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारे पास फोटो भी है तुम्हारे मोबाइल में। हाँ हाँ, वो शादी की फोटोज हैं, लेकिन उसमें हम एक भाई बहन की तरह फोटोज खिंचवा रहे। एक मिनट, मेरे पति तो ये हैं। देखिए देखिए बाबा जी, देखो विद्या, मुझे पता है साथ में ने तुम्हें धमकाया है, लेकिन विद्या डरो मत। देखो हमारे पास यही मौका है इसे सबक सिखाने का। बस साक्षी, और कितनी बेइज्जती करवाओगी हमारी? पापा एक मौका दीजिए, मेरे पास और भी सबूत हैं। बस अब बहुत हो चुका साक्षी, प्लीज बस करो ये ड्रामा, बस करो प्लीज। हाथ जोड़ता हूं मैं तुम्हारे। साक्षी, मेरे प्यार का ऐसा सिला क्यों दे रही हो मुझे? प्यार क्यों? मानता हूं, मानता हूं कि तुम्हारे पापा जितने पैसे नहीं है मेरे पास, उनके जैसी जिंदगी वैसी लाइफस्टाइल मैं तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल तो रखता हूं ना मैं, कोशिश तो करता हूं ना, तो फिर ये सब क्यों साक्षी क्यों? पापा जी, इसके दिमाग में बस पैसा 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 ही चलता रहता है। बार बार मुझे ताने मारती है पापा जी, धमकियां देती है कि मेरे पापा के सारे पैसे मेरे हैं, तुम्हें एक बार मैंने छोड़ दिया तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अरे कहां चाहिए मुझे पैसे पापा जी, कहां चाहिए? मुझे तो बस साक्षी का प्यार चाहिए। चुप हो जाओ और झूठ मत बोलो। तो चुप रहो, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। चलो निर्मला, चलो यहां से। पापा, माँ, पापा, पापा प्लीज मेरी बात सुनिए, टीना से मिलिए, वो आपको सब बता देगी। मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। आखिर चल क्या रहा था अभिमन्यु और साक्षी की जिंदगी में? एक तरफ विद्या और टीना का ये कहना कि अभिमन्यु धोखा दे रहा है, वो एक फ्रॉड है, वो पैसे के लिए लड़कियों से शादी करके उन्हें बर्बाद करके छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ विद्या का अचानक अपनी बात से पलट जाना एक और धोखे की ओर इशारा कर रहा था। आखिर क्या करेगी साक्षी? क्या वो अभिमन्यु की असलियत बाहर लेकर आएगी? और अगर अभिमन्यु साक्षी और विद्या को धोखा दे रहा था तो विद्या ने यह बात साक्षी के माता पिता से छुपाकर क्यों रखी? आइए देखते हैं। ये सब क्या है रणवीर, क्या है ये सब? शर्म नहीं आती तुझे? अरे भाभी तो मां समान होती है, और तूने इतनी घटिया हरकत की। निकल जा मेरे घर से। भैया मैं आपको सब बताने वाला था, मैंने कुछ नहीं किया है, बल्कि भाभी मेरे आगे पीछे घूमती थी जब भी आप घर पे नहीं होते थे। ये क्या बकवास कर रहे हो? नहीं भाभी, बस बहुत हो गया, अब मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये डोरे डालती थी मुझे, मैंने ये समझाने की कोशिश भी की, भाभी हैं आप मेरी मां समान है, लेकिन ये नहीं मानी। और एक दिन मेरे कमरे में आके जबरदस्ती मुझसे चिपकने लगी। शर्म नहीं आती तुम्हें इतना गंदा झूठ बोलते हुए? मुझे माफ कर दो बेटा, साक्षी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं, प्लीज इसे अपना ले बेटा, शायद भगवान इसे कुछ अकल दे दे। पापा, अभिमन्यु बेटा, अब मेरा इससे कुछ रिश्ता रहा नहीं, अब जो भी रिश्ता है बस तुमसे, आज से तुम मेरे बेटे और मेरी पूरी जायदाद के इकलौते मालिक भी, मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा, इससे पहले कि ये उसे बर्बाद कर दे। पापा जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझे बेटा कह दिया, बस यही मेरे लिए बहुत है। जो कुछ भी है आप साक्षी को दे दीजिए, वो उसका हक है। नहीं पापा, नहीं, आप वही कर रहे जो ये चाहता है। साक्षी बेटा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, मेरे खातिर अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए जरा सी भी इज्जत है तो ये शादी सही से निभा ले बेटा, और अगर मुझे कहीं से भी कुछ ऐसा वैसा पता चला ना, तो सच कहता हूं, मैं और तुम्हारी मम्मी
दोनों अपनी जान दे देंगे। नहीं पापा, मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अभिमन्यु बेटा जी, कुछ दिनों के लिए हो सके तो रणवीर को कहीं दूर भेज देना। चलो निर्मल। पापा, जासूस बनने का बहुत शौक है तुझे, हाँ? तू मेरा प्लान बिगाड़ना चाहती थी? मेरा प्लान, हाँ? मुझे क्या तूने इतना बेवकूफ समझा हुआ है? अरे बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ मैं, समझी? और रणवीर ने तुझे मेरा लैपटॉप चेक करते हुए देख लिया था, और मैं जानता था कि तू कहाँ गई है। एक बात और सुन ले, अब विद्या तेरा साथ नहीं देने वाली, क्योंकि वो मेरी मुट्ठी में है। तुझे क्या लगा इतना आसान है मुझे हराना, मेरा प्लान बिगाड़ना? हाँ, तेरा भंगड़ा बहुत जल्द मैं ही फोड़ने वाली हूँ, समझा तू? अच्छा, पति से जबान लड़ाती हूँ? पति? तू पति कहलाने के लायक ही नहीं है, तू एक नंबर का घटिया इंसान है। अभी पुलिस के पास जाकर कह देती हूँ कि तू एक नंबर का फ्रॉड है, कोई ऑफिसर नहीं है। ए! कहाँ चली? रणवीर, रणवीर! तेरी भाभी पुलिस के पास जाना चाहती। जा, ले जा इसे। वाह, तेरी इतनी हिम्मत। चल, जा। मुंह ज्यादा दिन बंद नहीं रख पाएंगे। इसका कुछ करना पड़ेगा। दरवाजा खोल। पापा जी, मम्मी, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? क्या बात है बेटा, बोलो ना, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, बोलो। पापा जी, साक्षी। बेटा, क्या हुआ साक्षी को? पापा, वो रणवीर के साथ भाग गई। क्या? हे भगवान, क्या किया इस लड़के ने? साक्षी के बिना कैसे जी पाऊंगा? बेटा, मत सोचो उसके बारे में, हम सोचेंगे कि हमारी कोई बेटी थी ही नहीं। मेरा इस शहर से ट्रांसफर हो रहा है, अब मैं इस शहर से बहुत दूर चला जाऊंगा। अच्छा है। लेकिन उससे पहले मुझे एक बाप होने का फर्ज अदा करने दो। क्या मतलब? मैं मेरी सारी जायदाद तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। बेटे का रिश्ता बनाया है तो आखिर तक रहेगा ना? ठीक कहा ना मैंने?
क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों झूठ बोला तुमने? बताओ मुझे। अक्षय तुम प्लीज जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं चली जाऊँ? नहीं, मुझे मेरे बात का जवाब चाहिए। अक्षय मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, प्लीज मेरी मजबूरी समझो, प्लीज जाओ यहाँ से। क्या मतलब इन सब बातों का? क्या मजबूरी है तुम्हारी? हेलो विद्या, क्यों फोन किया तुमने? तुम्हारी बहन की वीडियो क्लिप याद है तुम्हें, जो मैंने बनाई थी? वो अभी तक मेरे पास है। हाँ, बहुत संभाल के रखी है मैंने। और अगर तुमने ज्यादा स्मार्टनेस दिखाई तो वो वीडियो क्लिप मैं वायरल कर दूंगा। नहीं 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 अभिमन्यु, प्लीज प्लीज ऐसा कुछ मत करना। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी, प्लीज। मुझे पता था कि तुम यही कहोगी। गुड। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती साक्षी, प्लीज मेरी मजबूरी समझो। विद्या मुझे एक बात बताओ, तुम्हें छोड़ने के बाद इस बात की क्या गारंटी है कि वो तुम्हारी बहन का वीडियो बाद में नेट पर अपलोड नहीं करेगा? बताओ मुझे। हम दोनों के पास बस यही मौका है उस कमीने के चंगुल से निकलने का। अगर तुम ऐसे ही डरती रहोगी तो विद्या अपने साथ अपनी बहन की भी जिंदगी अपने ही हाथों से बर्बाद कर दोगी। बताओ ऐसा करना चाहते हो तुम? लेकिन कुछ नहीं विद्या, तुम जानती हो हम दोनों की तो उसके साथ शादी भी नहीं हुई है। वो सारे पेपर्स नकली थे, उसके दोस्त ने बनाए थे, और ये बात तो अभिमन्यु ने खुद मुझे बताई है। हम उसको पकड़वाएंगे कैसे? विद्या हमें हमें उसके दोस्त को ढूंढना होगा। साक्षी, साक्षी भाग गई। रणवीर, रणवीर जल्दी आ, साक्षी भाग गई। अब क्या भाई, कहीं उसने अपने माँ बाप को सब सच सच बता दिया था? उसकी फिक्र मत कर, हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बाप ने प्रॉपर्टी मेरे नाम पे की है लीगली। तो बस निकलने की तैयारी कर, जा जा। जी भाई। घर अच्छा है। शुक्रिया। मैं प्राची को बुलाती हूँ। प्राची बेटा। सॉरी, एक्सक्यूज। अब आंटी जी, मैं पुराने ख्यालात का इंसान नहीं हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं प्राची को देखना चाहूंगा। प्राची, तुम अपना घूंघट उठा सकती हो। तुम यहां कैसे? क्यों शॉक लगा? तुम तो लड़की देखने आए हो ना, एक और लड़की की जिंदगी बर्बाद करने आए हो? नहीं नहीं, तुम्हें तुम्हें गलत फहमी हो रही है विद्या। रणवीर भाग, रणवीर चल। पापा जी आप चुप हो जाओ, तुम्हारे दोस्त ने हमें सब कुछ बता दिया। तो मिस्टर फ्रॉड लॉयर, तुम अपना केस खुद लड़ोगे या किसी और लॉयर को हायर करोगे? क्या बकवास कर रहे हैं आप ये सब? मैंने कहा था ना साक्षी, ये ऐसे नहीं मानेगा। एक काम करते हैं, इसके खिलाफ फ्रॉड का केस कर देते हैं।
वैसे भी हमारे पास सबूत हैं इसके खिलाफ। इसकी फोटोज हमारी शादियां इसी ने तो करवाई हैं। गुड आइडिया विद्या। यही का मामला यही खत्म कर लेते ना, बाहर काहे को जान दे रहे हो? बताओ ना मुझे क्या करना होगा। ये की ना तूने काम की बात, मैंने तेरे घटिया दोस्त का अकाउंट चेक किया और उससे मुझे ये पता चला कि वो किसी नई लड़की की जिंदगी बर्बाद करने वाला है, पर उस लड़की के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो अब तू बता, तू मेरी मदद करेगा या अपना केस खुद लड़ेगा? ठीक है, आप जैसा आप कहें। कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है तूने, शर्म नहीं आई? चंद पैसों के लिए कितनों की जिंदगी के साथ खेला है तूने? इंस्पेक्टर, अरेस्ट हिम। साक्षी बेटा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हो सके तो हमें माफ कर दो। नहीं पापा, किसी ने सच ही कहा है कि शादी एक जुआ है, एक बहुत बड़ी रिस्क है। सामने वाले की असलियत पूरी तरह से शादी के बाद ही सामने आती है, लेकिन अभिमन्यु यहां कोई और ही खेल खेल रहा था, मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने का। हमारे देश में ना जाने ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिन्हें अभिमन्यु जैसे लड़के बर्बाद करके छोड़ देते हैं। ये जरूरी है कि हम शादी करने से पहले लड़का और लड़की की पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लें। ये कोई जरूरी नहीं है कि मैट्रिमोनियल साइट पे किए गए रिश्तों में धोखा नहीं होता, धोखा अपनी जान पहचान वाले रिश्तों में भी हो सकता है। जरूरी है कि ऐसे समय में हम अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल पूरी तरह से करें। जब किसी मासूम लड़की के साथ ऐसी दुर्घटना होती है तो उस लड़की के लिए उसका सबसे बड़ा सहारा उसके माता पिता होते हैं। अगर माता पिता उसे सहारा देते हैं तो वो लड़की टूटने से बच जाती है। ये भी जरूरी है दर्शकों कि हम अपनों का साथ दें, अपनों पर विश्वास करें। इसी सूझबूझ के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी में विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।